गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एक प्रीमियर शो का आयोजन किया गया। इस दौरान पछतावा नामक टेलीफिल्म इस शो के माध्यम से दिखाई गई। नेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग लिविंग एंड विजिट आर्ट नामक संस्था द्वारा निर्देशित फिल्म में यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आत्महत्या किसी भी समस्या, उलझन एवं तनाव का समाधान नहीं है। पछतावा नामक फिल्म को महानगर में पिछले लगभग एक से अनेक स्थानों पर प्रदर्शित कर जनमानस को आत्महत्या के प्रति सचेत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। गोकुलदास गर्ल्स कॉलेज में पछतावा नामक छोटे पर्दे की फिल्म का प्रसारण भी इसी उद्देश्य की एक कड़ी है। इस मौके पर संजय सक्सेना, रफत खान मुरादाबादी, संजीव कुमार एवं डॉक्टर राकेश समेत अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की अध्यक्षा किरण साहू ने प्रीमियर शो के बारे में जानकारी देते हुए हमारे सिटी न्यूज संवाददाता को बताया। आज हम लोगों ने मनोविज्ञान विभाग में एक फिल्म का आयोजन किया है और इस फिल्म को दिखा रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग लिविंग एंड विजुअल आर्ट वाले डॉक्टर वाजपेयी एंड संजय जी हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। और इस फिल्म को दिखाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को आत्महत्या की जो प्रवृत्ति बच्चों में विकसित हो रही है उसके कारणों के बारे में बताना और आत्महत्या के होने के बाद जो परिणाम होते हैं, जो सामाजिक और पारिवारिक नुकसान होते हैं, उसके बारे में बच्चों को जागरूक करना। ये फिल्म जिसका नाम पछतावा है, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि जो है कभी भी जब हम इस तरह की घटनाएं समाज में देखते हैं तो हम पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो बस हम कुछ देर के लिए अफसोस जाहिर करते हैं कि ऐसा हो गया, और उस अफसोस जाहिर करने के बाद हम शायद भूल जाते हैं उस चीज़ को आधे घंटे के बाद और फिर हम अपने रूटीन में बिजी हो जाते हैं। तो फिल्म दिखाने का एक उद्देश्य ये भी था कि बच्चे उस चीज़ को सोचें, क्योंकि पूरे फिल्म में ये चीज़ दिखाई गई है कि आत्महत्या जो की जाती है उसकी वजह क्या होती हैं, और वजह होने के साथ साथ उनमें परिवार का, समाज का, स्कूल का कितना प्रेशर होता है, उस प्रेशर के कारण जो कदम ये बच्चे उठा लेते हैं, क्योंकि जो फिल्म का फोकस है वो मेनली बच्चों का है, तो बच्चे जो ये कदम उठा लेते हैं तो वो कदम कितना ये कह लीजिए निरर्थक होता है, क्योंकि कोई भी समस्या, चाहे जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या जो है उसका समाधान हम जीवन में ही कर सकते हैं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो हम उस समस्या का समाधान कब करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे जो कि ये कह लीजिए भविष्य भी हैं, और ये बच्चे जो हैं अपने आसपास और ख़ुद भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, देखते हैं, तो उसके बारे में जो कोई कदम उठाने जा रहा हो उसको ये शायद रोक सकें अपने स्तर पे, तो वो इस फिल्म का शायद सबसे बड़ा उद्देश्य होगा और समाज के लिए इस फिल्म की सबसे बड़ी देन होगी।